आपके हृदय में जो भगवान शिव के प्रति जो आस्था है वो अभी रंग लाई है। भगवान भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, और उसी कृपा को सार्थक सिद्ध करते हुए भगवान ने इसी सावन के महीने में ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा संयोग रचा है जो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान शिव की कृपा कहाँ हमें प्राप्त हो रही है। देखिएगा कि ठीक यही समय था जब राहु देव आपके गोचर में पिछले 13 से 14 महीनों तक ये आपके चल रहे हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव वो भाव हो गया जो आपके जीवन में विपत्तियों का है, रुकावटों का है, और साथ ही साथ संघर्षों को बढ़ाने वाला स्थान माना गया है। यहीं पर राहु देव आए हुए हैं और इनका गोचर काल 18 महीने का होता है, और अभी कितना बचे हुए हैं, कब तक रहेंगे, तो 30 अक्टूबर तक बचेंगे। लगभग 3-3.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आपके अष्टम को छोड़ करके आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। लेकिन आज बात हो रही है आपके अष्टम भाव की, और अष्टम भाव में रहते हुए ही आपके जीवन को ये अच्छा बनाएंगे, ऐसा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। कैसे है तो देखिएगा, 17 जुलाई का वो डेट था, अभी तुरंत 17 जुलाई का अभी का वो डेट है, जिस डेट से लेकर के ये 30 अक्टूबर तक यही राहु 0 से 6 डिग्री में कंसीडर किए जाएंगे। मतलब डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमज़ोर हो गई है। रिजल्ट कोई ग्रह कितने परसेंट का रिजल्ट देता है, इस बात की पुष्टि उनकी डिग्रियों के द्वारा आप जान सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई अच्छा ग्रह है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यदि उनमें सामर्थ्य नहीं है, डिग्री उनकी कमज़ोर है, तो वो अच्छे रिजल्ट भी आपको अनुकूल नहीं दे पाएंगे, कम दे पाएंगे। और यदि कोई बुरे ग्रह हैं वो भी जरूरी नहीं कि आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर पाए, उनकी डिग्री जब कम हो जाती है तब उनमें शक्ति कम हो जाती है, आपको ये मानना है। तो आज के डेट पे क्या है, तो अभी ये पूरे 30 अक्टूबर तक ये आपको मात्र 25% का फल देंगे। मतलब 75% हमारे संकटों से हमें मुक्ति दिला दिए भोलेनाथ। हमने एक एक दिन की डिग्रियां निकाली तो पाया कि 17 से लेकर के पूरे 30 अक्टूबर तक ये 75% ये कमज़ोर हो गए हैं। तो कमज़ोर हो गए तो आपके जीवन में किस भाव को ये अच्छा बनाएंगे भाई। कमज़ोर यदि कोई हमारा नेगेटिव, कोई हमारा विरोधी ग्रह यदि कमज़ोर हो जाए तो हमारे जीवन में कुछ तो बढ़ोतरी करेंगे। तो क्या बढ़ोतरी किए, तो यहाँ पर आपको ये मानिए कि आपकी समस्याएँ 75% तक कम हो गई, क्योंकि समस्या का ये भाव है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, अब राहु की दृष्टि को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर। यदि इससे पूर्व आपको लगता था कि मेरे खर्चे बहुत हैं, 12वें घर, मेरे हानियाँ बहुत हो रही हैं, मैंने बहुत सा धन पिछले 1-1.5 साल में गंवा दिया है, या मुझे वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसका मैं अधिकारी था, क्योंकि 12वां भाव हमारे खर्चे का है, हानि का है, डिप्रेशन का है, और साथ ही साथ चिकित्सालय संबंधी भी है, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, इन सबको यहाँ पर राहु प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, और ये द्वादश भाव आपका विदेश भी है, तो यदि विदेश से संबंधित कोई समस्या आपके मन में है तो राहु यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर रहे थे। अभी क्या होगा, इस टाइम पर 17 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य यही राहु आपके विदेश से संबंधित कोई भी परेशानी है उन परेशानियों को दूर करेंगे। दूर करेंगे मतलब राहु के माध्यम से स्वयं महादेव दूर करेंगे, आपको ये जानना है, क्योंकि राहु अभी निर्बल हो गए हैं, उनमें रोक पाने की सामर्थ्यता कमज़ोर हो गई है। खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ गए थे, उनमें यहाँ रुकावट देखने को मिलेगी। हानियाँ बहुत हो गई हैं, उन हानियों को रुकावट होने का एक अवसर मिलेगा उनकी, मतलब और हानि हो भी गए हैं तो कैसे उन हानियों से हम मुक्ति पा करके लाभ में उसे परिवर्तित कर पाएं, ये राहु का प्रथम प्रयास होगा। अब इसी भाव पर ध्यान दीजिएगा, गुरु की दृष्टि भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु देवता भी इसी भाव को देख रहे हैं। अब गुरु का क्या हो गया, तो गुरु देवता जब आज के डेट पे जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी वर्तमान समय में और पिछले 1-1.5 महीने से हमने इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के हम आए थे, आप उसे देखेंगे। अभी वर्तमान समय पर यही गुरु देवता अभी 17 डिग्री पर चल रहे हैं। 17 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के मध्य होता है तो इनके पास फल देने का सामर्थ्य 100% होता है।
मतलब इसी सावन महीने में गुरु के पास पूरे 100% के रिजल्ट आ गए हैं, वो भी अच्छे रिजल्ट। और आपके तो भाई ये चतुर्थेश हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, और आपके सप्तमेश आपके व्यापार आपके दाम्पत्य के मालिक हैं। ये जब अच्छे कंडीशन पे हो जाएंगे तो आपके व्यापार और आपके दाम्पत्य जीवन आपके करियर प्रोफेशन में खुशियों की बरसात करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको स्वतः विचार करना है। गुरु जैसे पॉजिटिव ग्रह को ये बलि बना दिए और राहु जैसे नेगेटिव ग्रह को ये कमजोर बना दिए, ये कोई और नहीं कर सकता, एकमात्र महादेव कर सकते हैं, और जो इसी सावन के महीने में ही ये पूर्ण हुआ। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव जो कि धन का होता है, इसी धन के भाव में ऑलरेडी केतु देव पिछले 14-15 महीने से चल रहे हैं, क्योंकि राहु हमेशा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राहु जहां पर है उसके ठीक सातवें घर पर केतु विद्यमान होते हैं। कहीं पर भी राहु बैठे आप सातवें भाव पर केतु को देखेंगे ही देखेंगे। तो इसका मतलब जब यहां पर बाधा रुकावट तो राहु दे रहे हैं और यहां पर केतु देव आकर के किसी प्रकार से आर्थिक रूप से हमें प्रताड़ित करने का प्रयास, धन से संबंधित कोई ना कोई चुनौतियां हमारे जीवन पे आ ही जा रही है, थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है, थोड़ा सा प्राप्त हो रहा है, फिर से हम उसी उधेड़ बुन में लग गए हैं कि कैसे फिर से उसे हम अच्छा बना पाए। एक तूफान की स्थिति केतु के द्वारा यहाँ प्रदर्शित की जा रही है, और ऊपर से राहु की दृष्टि यहाँ पर बन रही थी तो और पुष्टि हो गई थी। परंतु अभी क्या होगा, अभी ये हो रहा है कि राहु ऑलरेडी इस भाव को देख रहे हैं, केतु यहाँ पर विद्यमान है, तो किसी प्रकार से यदि आर्थिक समस्या है तो उसमें ये मानिए 75% तक आपको वहाँ पर शांति मिल गई, एक रिलीफ मिल जाएगा आपको 75% तक। अब यहाँ पर केतु दे तो विद्यमान है, यहीं पर ठीक आप समझिएगा जहाँ केतु है उससे पंचम भाव को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव कहाँ पर आ गया, शनि के घर पर आ गया, मतलब कि छठे भाव पर आ गया। तो छठा भाव का है का रोग ऋण शत्रुओं का, तो किसी कारण से रोग ऋण शत्रु बढ़ गए थे, अभी वो समय है कि उन सब से मुक्ति मिलना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बढ़ गई थी, कमी आना, हमारे विरोधी ज़्यादा प्रभावी हो गए थे, हमें बात बात पर हमें टंच मार के कोई चला जाता था, हमारे दिमाग को कोई खेल के चले जाता था, यहाँ पर आप ये मानिए यहाँ वो स्थिति भी यहाँ पर दूर होने की संभावना। कर्जे की बात करें तो ये छठा भाव ही हमारा कर्जा है, तो केतु अभी तक कर्जे को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ पर अब अच्छे मतलब कमज़ोर हो जाएंगे, तो उस कर्जों से हमें मुक्ति भी तो मिलेगी भाई। ऑलरेडी यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, अब हम लोग चलते हैं शनि देवता के पास, राहु केतु की बात हुई, अब शनि देव के पास चलते हैं। तो शनि देवता के पास क्या सामर्थ्य है, तो शनि देवता तो कर्म के देवता हैं, आप सब जानते हैं इस बात को, हमारे जितने भी दर्शक हैं बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं, हम ये मानते हैं। आप ये समझिए कि शनि कर्म के देवता हैं और आपके पंचम और छठे भाव के ही मालिक हो जाते हैं। पंचम भाव वो भाव हो गया भाई जो आपके लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह हो जाते हैं शनि, क्योंकि त्रिकोण का मालिक सदैव योग कारक होता है, ज्योतिष का ये सूत्र है, और ये छठे भाव पर है। इस सावन से इसे रिलेट कैसे किया जाए, तो इसी सावन महीने में के ठीक कुछ दिन पहले ही यही शनि देव वक्री हो गए हैं, पूरे सावन महीने तक भर रहेंगे और 4 नवंबर तक रहेंगे, शनि देव वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक। इसका मतलब वो हमें पंचम भाव का भी प्रतिफल दे रहे हैं। तो सावन के महीने में भगवान शनि, भगवान सूर्य, भगवान शिव की कृपा से शनि देवता भी हमें हमारे लिए अनुकूल हो गए, क्योंकि हमारे पंचम के मालिक छठे भाव में चले गए थे, अब वो पूरा पंचम में आएंगे, इसका मतलब इस भाव की जागृति हो गई। तो शेयर मार्केट से लाभ होना, संतान संबंधी अच्छे समाचार होना, संतान के कैरियर में ग्रोथ होना, पंचम भाव हमारा स्वयं का एजुकेशन है तो एजुकेशन को भी एक प्रकार से अच्छी सफलता का संयोग बनना, यही हमारे मनोरंजन के क्षेत्र हैं तो उन सब में भी अच्छे यहाँ पर परिणाम देखने को मिलना। तब कहने का मतलब है 4 नवंबर तक ये अनुकूल हो गए। अब यही नहीं, शनि के पास कुछ दृष्टियाँ भी हैं, तो एक दृष्टि तो शनिदेव आपके अष्टम को दे ही रहे हैं जहाँ पर राहु हैं, ऑलरेडी इस बात की चर्चा हमने की हुई है अभी कुछ देर पहले, और शनि का एक दृष्टि पड़ रहा है आपके 12वें घर में, पुनः फिर से जहाँ जहाँ राहु का प्रभाव पड़ रहा है उसी उसी भाव पर शनि देवता भी प्रभाव दे रहे हैं, मतलब शनि यहाँ कमजोर हुआ
माफ कीजिएगा, राहु यहाँ कमजोर हो गए, गुरुदेव मजबूत हो गए और शनिदेव चूंकि आपके योग कारक हैं इसलिए आपके लिए ये भी प्रतिफल देंगे, विदेश संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश ही नहीं, यदि आप अपने घर में से कहीं दूर जाना चाहते हैं नौकरी के कारण, क्यों? क्योंकि नौकरी का भाव हमारा छठा भाव है, तो नौकरी में परिवर्तन का योग देखने को मिल सकता है या हम नौकरी से कहीं दूर जा सकते हैं। इस टाइम पर अभी क्या होगा, अभी वर्तमान में क्या होगा, पंचम के सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारी जो सोच है, हमारी जो मस्तिष्क है, इसमें हमारी डिसीजन बहुत अच्छी होगी। माना जाता है आप लाख मेहनत कर लें लेकिन अगर डिसीजन सही ना हो, हमारी बुद्धि और चातुर्य यदि सही ना हो, तब तक हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। शनिदेव ये चार महीने तक कोई ऐसी बुद्धि, ऐसा कोई निर्णय आपके जीवन पर जरूर ला करके खड़ा कर देंगे जिस निर्णय को लेकर के हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। विश्वास रखना होगा आपको शनि के ऊपर और अपने महादेव के ऊपर। गुरु देवता ऑलरेडी आपके इसी भाव पर चल रहे हैं, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर गुरु का होना परिवर्तनकारी ही माना जाएगा। गुरु जहाँ जहाँ राहु देख करके उस भाव को बिगाड़ कर रहे थे, मानो अब गुरु देवता भी बलवान हो गए हैं। राहु तो कमजोर हो गए हैं, गुरुदेव बलवान हो गए हैं, मतलब आपके जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं करेंगे। गुरु की एक दृष्टि सीधे धन भाव पर पड़ रही है, तब माना जाता है कि गुरु की दृष्टि, गुरु को क्या माना गया है, गुरु को माना गया है भाग्य के देवता। कहीं पर भी गुरु बैठे, आपके जन्म पत्रिका में देखिए गुरु कहाँ पर है, और जहाँ पर गुरु है आप ये मानिए मेरी भाग्य की जागृति वहीं से होनी है। तो गुरु अभी गोचर में क्या हो रहा है, गुरु धन को देख रहे हैं, तो भाग्य की जागृति कहाँ से होगी, आपके कुटुंब परिवार से होगी, उनके माध्यम से आपका भाग्य चमकेगा। और यही नहीं, यही आपका धन का भाव है, इसलिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी इस गुरु का यहाँ पर प्रभाव पड़ना बहुत अनुकूल है। भगवान शिव शंकर का सानिध्य किससे प्राप्त हुआ, तो कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने अपने जटाओं में माता गंगा को निवास दिया है। गंगा कौन है, सारे जगत को पवित्र करने वाली पवित्र पावनी गंगा माना गया है, और इन्हीं गंगा को भोलेनाथ ने अपने जटाओं पर रखा है। तो इस टाइम पर क्या कर सकते हैं, अपना एक एक लोटा जल ले सकते हैं, साफ जल होना चाहिए, और उस जल में दो बूंद गंगा जल जरूर मिला दें। और घर में यदि कोई पवित्र जल है, कोई गंगा का जल है, कोई तुलसी पत्ती डाल करके भी गंगा जल, हमें एक बार हमने गंगा जल का वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। तो एक भाई साहब ने हमें कमेंट किया था कि हमारे यहाँ गंगा जल उपलब्ध नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम तुलसी पत्र को जल में डाल करके भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। तो क्या कहा गया, तो कहा गया है शास्त्रों में कि जो जो सामग्रियां भगवान नारायण को चढ़ता है वो सब भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो इसलिए आपको चाहिए कि गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल की दो बूंद डाल करके आप भोलेनाथ पर अर्पण कीजिए। ना मिल पाए शुद्ध जल ले लीजिए, वो भी ना मिल पाए तो सामान्य जल लेकर के, साफ पानी लेकर के उसमें अपने पवित्र कीजिए, अपने मन के गंगा जल को उसमें मिश्रण करके भगवान देवाधिदेव महादेव को अभिषेक कीजिए। माना जाता है जो भगवान शिव शंकर का अभिषेक करता है, भगवान उसका स्वयं राज तिलक करते हैं, और यही राज तिलक आपके जीवन पर सदैव बनी रहे, यही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और कमेंट से। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।